दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके हमेशा काम आने वाली है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप गूगल मैप से दूरी कैसे माप सकते हैं किसी भी स्थान का, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। तो हम मैप ओपन करते हैं। मान लीजिए कि हमें बड़ौदा का एयरपोर्ट की रनवे का दूरी हमें मापना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, हम पहले तो सर्च कर लेंगे बड़ौदा एयरपोर्ट। ठीक है, बड़ौदा एयरपोर्ट हमारा आ रहा है, ये बड़ौदा एयरपोर्ट है। और दूरी मापने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि इसको उपग्रह पे, सेटेलाइट पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेटेलाइट पे सेलेक्ट करने के बाद आपका ये रनवे दिखने लगेगा। ये आपका रनवे है, ठीक है, बड़ौदा एयरपोर्ट का रनवे इतना बड़ा है। अब आप जानना चाहते हैं कि इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले एक पिन पर आप जो है पॉइंट कीजिए, कुछ देर पॉइंट करेंगे मतलब टच किए रहेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप कीजिए, यहाँ पर दूरी मापे सेलेक्ट कीजिए, दूरी मापें। उसके बाद यहाँ से आप जो है ऐसे मैप जो है खिसकाते रहेंगे तो ये पॉइंट पे ले आके रोक दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे बिंदु जोड़े पर टच कर दीजिए एट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख गई कि इसका दूरी जो है 2.3 किलोमीटर का जो है रनवे है बड़ौदा का। तो इस प्रकार से आप किसी भी लोकेशन का, पर्टिकुलर लोकेशन का, आप स्क्वायर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे इसका एरिया देखने जाते हैं, यहाँ पर जोड़ते जाएंगे, ये आपका जुड़ता चला जाएगा। इस एरिया से पता है, इस तरह से आप जो है स्क्वायर में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।